हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रपोजिशन का अपना एक इम्पोर्टेंट यूज़ है एसएससी के एग्ज़ाम्स में और बाकी भी एग्ज़ाम्स में, जितने भी एग्ज़ाम्स आपके कंपटीशन टाइप होते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे एनडीए, सीडीएस, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्रपोजिशन। इंग्लिश ग्रामर में दो ही चैप्टर ऐसे हैं जिनको करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है, एक आर्टिकल, दूसरा प्रपोजिशन। ये सबसे छोटा चैप्टर है इसलिए समझ में नहीं आता है, और ये सबसे बड़ा चैप्टर है इसलिए समझ में नहीं आता है बच्चों को। दूसरी बात, यहाँ पर कब, कहाँ, क्या मीनिंग बन जाए, किस वर्ब के साथ में प्रपोजिशन लगाने पर, ये भी थोड़ा सा मेन रोल प्ले करता है बच्चों। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन और इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले होंगे। सो दोस्तों, जुड़े रहिएगा इस वीडियो में, लगभग 30 सेंटेंसेस हम लोग यहाँ आपको सुल कराएंगे, साथ ही साथ आपको नियम कानून सब बताते चले जाएंगे। यस बच्चों, कब ये फिक्स प्रपोजिशन है, कब आपका ये इडियम बना, कब ये फ्रेजल वर्ब बना और कब ये केवल प्रपोजिशन रहा। यस दोस्तों, ये चारों बातें आपको याद रखनी होंगी और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले ही बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब दबा लीजिएगा बटन, और बच्चों ऑल पे जरूर प्रेस कर दिया करें, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, अन्यथा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे, आप लोगों को वीडियो जाकर ढूंढनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कहानी को आज की। पहला सेंटेंस है, द बॉस डिडंट पनिश हिम फॉर कमिंग लेट। बॉस ने उसको लेट आने पर पनिश नहीं किया। ही मस्ट बी डैश हिज गुड बुक्स। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब नॉर्मली अगर बात करें तो कहाँ बॉस की बात हो रही थी, दंडित करने की बात हो रही थी, और कहाँ बुक्स वगैरह की बात होनी शुरू हो गई हैं। सो दोस्तों, यहाँ ये जो इस्तेमाल हो रहा है एक इडियोमेटिक वे में इस्तेमाल हो रहा है। यस, इसका जो यूज़ है वो एक इडियोमेटिक वे में है। अब कौन सा यूज़ होगा, इन, इन टू, इन साइड या ऑन टू। बच्चों पहले मैं चर्चा करता हूँ आपको उन वर्ड्स की जो आंसर नहीं है। इन टू का इस्तेमाल करते हैं बच्चों हम लोग मोशन के अर्थ में, यानी कि गति अवस्था के लिए। लाइक ही इज़ गोइंग इन टू हिज रूम, वह अपने कमरे में जा रहा है, मतलब ये मोशन की बात हो रही है। या फिर ही जम्प्ड इन टू द रिवर, वह नदी में कूद गया। तो गाइस, मोशन की जब भी बात होगी हम लोग इन टू का इस्तेमाल करेंगे। इन साइड का मतलब होता है बच्चों अंदर, या फिर अंदर की ओर, इन साइड, ऑन टू किसी चीज़ के ऊपर से होता हुआ जाए जब कोई चीज़, लाइक ये बॉक्स रखा हुआ है, आपने कोई चीज़ फेंक किया, वो ऐसे जाके गिर जाए, ऑन टू। दोस्तों यहाँ पर आपका इन आएगा फिलहाल, तो अगर बात करें तो ये एक पूरा आइडिया है बच्चों, इन समबडी या समवन गुड बुक्स, इन समवन्स गुड बुक्स, ये आपका एक पूरा आइडिया है जिसका मतलब है बच्चों किसी का फेवर लेना, किसी का फेवर लेना, यानी कि पक्ष लेना किसी का। सो दोस्तों यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग ये निकल रहा था, इन हिज गुड बुक्स का मतलब बच्चों फेवर लेना किसी का। द बॉस डिडंट पनिश हिम फॉर कमिंग लेट, ही मस्ट बी इन हिज गुड बुक्स, यानी कि वो उसका फेवर ले रहा होगा, यानी कि उसने उसका फेवर ले रहा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर अगले पे। डू यू लाइक प्राइड डैश योर अपीयरेंस। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आपका आंसर रहेगा बच्चों। प्राइड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जनरली गर्व के लिए। अब यहाँ पर बच्चों प्राइड के साथ में क्या फिक्स्ड प्रपोजिशन आपकी रहने वाली है उसको देखते हैं बच्चों। जैसे कि बच्चों हम लोग बात करें प्राइड इन की, तो गाइस प्राइड इन का मतलब होता है बच्चों कुछ फील करना, यानी समथिंग पॉजिटिव, कुछ अच्छा फील करना, यानी कि प्राइड इन फील समथिंग पॉजिटिव। डू यू टेक प्राइड इन योर अपीयरेंस, तो गाइस आंसर तो इसका यही रहने वाला है। अब बच्चों बात करते हैं प्राइड के साथ ऐड की, तो मैं बता दूं बच्चों आपको कि प्राइड के साथ आपका ऐड आएगा ही नहीं। प्राइड अबाउट मतलब किसी चीज़ को लेकर के किसी चीज़ पर गर्व होना, दोस्तों यहाँ पर ये भी नहीं आएगा। प्राइड ऑफ का मतलब भी घमंड करना, तो गैस ये भी आपका नहीं आएगा। हालांकि प्राइड के साथ नहीं, प्राउड के साथ प्रॉपरली आपका चलता है ऑफ,
घमंड करना, ये आपका एक नेगेटिव में चला जाएगा। तो फिलहाल बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। आगे देखिएगा बच्चों ध्यान से, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है बच्चों, आई ट्रिप्ड डैश द कैट एंड फेल डाउन स्टेयर। यहाँ पे ट्रिप्ड ओवर ऑन अबाउ एट, ये तीनों प्रपोजिशन ऊपर के अर्थ के लिए लगती हैं, हालांकि यहाँ तो इसका मीनिंग कुछ और ही रहेगा जब ये ट्रिप के साथ आएंगी, लेकिन नॉर्मली का क्या मीनिंग रहता है उस पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों आंसर आएगा इसका ओवर, ट्रिप ओवर ये पूरा है बच्चों। व्हेन समथिंग गोज फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन मोशन वी यूज द वर्ड ओवर, यानी कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाए मोशन के साथ में, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड जाना मोशन के साथ में बच्चों, गति के समय उसे बोलते हैं बच्चों, जैसे कि ही जंप्ड ओवर द फेंस। अब जरा मैं इनके बेसिक मीनिंग पर चलता हूँ बच्चों। ओन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग तब जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर बिल्कुल टच करते हुए रखी हो, ऐसे। अबव का इस्तेमाल करते हैं बच्चों तब जब कोई चीज़ किसी चीज़ से ऊपर हो लेकिन वो ना तो टच करते हुए हो ना उसकी सीध में हो। ओवर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों तब जब कोई चीज़ बिल्कुल उसकी सीध में हो लेकिन टच करते हुए ना हो। ये आपका ओन है, ये आपका अबव है, ये आपका ओवर है। आई ट्रिप्ड ओवर द कैट एंड डाउन एंड फेल डाउन स्टेयर। सो गाइस वो कैट के जस्ट ऊपर से होता हुआ गया है यूँ ऐसे करता हुआ। सो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा ट्रिप ओवर, ट्रिप ओवर बच्चों यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ही इज ऑलमोस्ट डाइंग, आई एम अफ्रेड ही इज डैश हिज लास्ट लैग, यानी कि वो लगभग मरने वाला था, मरने वाला है, मुझे डर है। ही इज डैश हिज लास्ट लैग बच्चों यहाँ पर भी ये एक इडियमेटिक वे में इस्तेमाल होगा बच्चों। ये पूरा होता है आपका इडियम ऑन हिज लास्ट लेग्स, ऑन हिज लास्ट लेग का मतलब बच्चों किसी की जिंदगी का लगभग अंत होने वाला है, यानी कि मरने वाला है। तो गाइस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इसका प्रॉपर बी, पूरी तरह से करेक्ट। इन हिज लास्ट लेग मतलब जब आपका ये एडियोमेटिक वे में इस्तेमाल हो गया तो यहाँ पर फिर चर्चा का विषय खत्म हो गया, बहस का विषय खत्म हो गया कि क्या यहाँ पे इन आ सकता था या ओवर आ सकता था, ये सब चर्चा का विषय खत्म हो जाता है बच्चों जब कोई चीज़ आपके इडियोमेटिक वे में आ जाए, यानी कि जब मीनिंग ही नहीं निकल रहा है उसका किसी और वर्ड के साथ में, तो यहाँ पे हमें उस पर चर्चा भी नहीं करनी है। चलिए बच्चों चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हालांकि मैं आपको इनके मीनिंग बता चुका हूँ इससे पिछले सवाल में ओवर का मीनिंग बताया मैंने अभी आपको, ओवर का बताया, अब आपका बताया, कोई नया वर्ड आएगा तो जरूर बताएंगे। माई फादर वॉज डैश अ बैड टेम्पर एज ही हैड जस्ट फॉट विद मदर इन द किचन। तो गैस मेरे पिताजी जो हैं डैश बैड टेम्पर में हैं क्योंकि वो अभी अभी मेरी मम्मी से लड़के आए हैं किचन में। माई फादर वॉज ऑफ अ बैड टेम्पर, वॉज एट अ बैड टेम्पर, वॉज इन अ बैड टेम्पर। तो गैस ये पूरा हो जाएगा आपका एक idiomatic वे, इन अ बैड टेम्पर, इन अ बैड टेम्पर। सो गाइज इन अ बैड टेम्पर का मतलब होता है कि एक अच्छे मूड में ना होना, यानी कि इन अ बैड मूड, इन अ बैड मूड यानी कि अच्छे मूड में ना होना। तो यहाँ पर भी बच्चों का कन्फर्म है कि इन ही आएगा। एट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों हम लोग पैरेलल कंडीशन के लिए, इन टू के बारे में बता चुका हूँ। ऑफ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रिलेशन के लिए, कारण के लिए और का की के अर्थ में। ओके दोस्तों तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। देयर इज सम डिस्प्यूट डैश द प्रॉपर्टी एज द ओनर डाइड विदाउट मेकिंग अ विल। बच्चों विल का मतलब यहाँ वसीयत से है, तो कह रहा है कि कुछ डिस्प्यूट हैं, झगड़े हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, क्योंकि जो मालिक है उसने प्रॉपर्टी यानी कि अपनी वसीयत नामा नहीं बनाया है। तो बच्चों यहाँ पर जब हमें डिस्प्यूट का हल लगाना है प्रपोजिशन, तो आपकी रहेगी आप यहाँ पे डिस्प्यूट इन जी नहीं बच्चों, डिस्प्यूट ओवर बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा डिस्प्यूट ओवर। तो अगर सिक्स का आंसर आपका हो जाएगा बी,
डिस्प्यूट ओवर, आप तब इसमें करते हैं जब आप किसी चीज़ को लेकर के एग्री नहीं हैं, सहमत नहीं हैं, तो डिस्प्यूट ओवर, किसी चीज़ के ऊपर डिस्प्यूट होना, सहमत ना होना। तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर होता है अभी डिस्प्यूट अबाउट, किसी चीज़ को लेकर के झगड़ा होना, और डिस्प्यूट ऑन, किसी बात पर झगड़ा होना। तो दोस्तों यहाँ आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, प्रॉपर तरह से करेक्ट। आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। द फिल्म थ्री इडियट वॉज बेस्ड डैश एन इंजीनियर्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो थ्री इडियट जो मूवी है एक इंजीनियर की रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। तो क्या यहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, तो क्या यहाँ पे वैसे तो बेस के साथ फिक्स है, बेस के साथ में हम लोग हमेशा ऑन का इस्तेमाल करते हैं, बेस्ड ऑन। वैसे भी यहाँ मीनिंग निकल कर आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर बेस होना, निर्भर होना। तो बच्चों ऊपर के अर्थ में हम लोग लगाते हैं यहाँ पे हमेशा ऑन, तो बेस्ड ऑन। यहाँ पर आपका ऑन कन्फर्म हो जाएगा, सेवन्थ का सी आंसर हो जाएगा कन्फर्म। बेस अबाउट, बेस एट, बेस इन, तो आपके ये नहीं आएंगे बच्चों, आंसर हो जाएगा सिर्फ बेस्ड ऑन। आई एम अ बिट वीक डैश साइंस सब्जेक्ट बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, यानी कि मैं हल्का सा कमज़ोर हूँ साइंस सब्जेक्ट में, लेकिन मैं इस पर कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये दो वर्ड बड़े प्यारे होते हैं, एक गुड और एक बैड। बैड का ही सिनोनिम है बच्चों आपका वीक। जब हम लोग बात करते हैं अच्छे के अर्थ में, लाइक मैं कहने लगूँ कि मेरी मैथ बहुत अच्छी है, या फिर मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं बोलूँगा गुड एट, और जब बहुत बुरा हूँ तो बैड है। आई एम गुड एट मैथ, मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ, इस तरह से बोल देते हैं। अगर बोलना है बुरा हूँ तो आई एम बैड इन कुकिंग, यानी कि खाना मैं बहुत बेकार बनाता हूँ। तो कहते यहाँ पे गुड के साथ लगाते हैं एट और बैड के साथ लगाते हैं इन। कभी भी बच्चों से तरह चर्चा करना हो तो हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हालांकि अगर आप कहेंगे तो मैं गुड एट और बैड इन पर एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जहां मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा यहां पे कब इसके साथ जिरंड आएगा, कब इसके साथ सब्जेक्ट आएगा, कब क्या आएगा, बिल्कुल दोनों क्लियर कर देंगे। तो यहां पर भी बच्चों आपका वीक आ गया है जो कि बैड की फैमिली से है, तो यहां पर बच्चों वीक इन आपका हो जाएगा, नॉट वीक एट। तो कहते यहां पर आई एम अ बिट वीक इन साइंस सब्जेक्ट, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों के यहाँ तो चलो अच्छा है मीनिंग निकाल कर बच्चों ने देखा और लगा दिया, लेकिन जब गुड की बात आती तो शायद वहाँ पे पक्का एट ना लगाते। अगर वहाँ पे सेंटेंस इस तरह आता कि मैं क्या, अगर हिंदी में आएगा नहीं आई एम गुड डैश फिजिक्स, तो यहाँ पर भी बच्चे डेफिनेटली इन ही लगा जाएंगे, क्योंकि उनको आदत वही पड़ी हुई है कि मैं फिजिक्स में अच्छा हूँ। यस, तो आई एम गुड एट फिजिक्स। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नाइन, लुकिंग फॉरवर्ड डैश सीइंग यू सून एट द मीटिंग। बच्चों ये आपका एक फ्रेज है लुकिंग फॉरवर्ड के साथ जो आना है, फ्रेज क्या बच्चों, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस जिरन, प्लस जिरन। तो यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू जिरन तो आया हुआ है, लुकिंग फॉरवर्ड भी है, क्या नहीं है सिर्फ टू नहीं है यहाँ पे। तो बच्चों टू मिसिंग था, वो हमने दे दिया है, तो नाइन्थ का आपका हो जाएगा बच्चों बी आंसर पूरी तरह से करेक्ट। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर टेन देखिएगा बच्चों ध्यान से। देर वॉज अ फुटपाथ दैट वेंट द रोड टिल द रेलवे स्टेशन, दैट वेंट डैश रोड द रोड टिल द रेलवे स्टेशन। वेंट ओवर द रोड, बच्चों ओवर का मतलब तो टच करते हुए होता ही नहीं है, तो ऐसा तो होने से रहा। वेंट अलोंग, वेंट अलोंग हो सकता है बच्चों, यानी कि वो जब देखिए यहाँ से एक होता है बच्चों आपका अलोंग, एक होता है अलोंग विद, दोनों में अंतर है। अगर आप किसी नॉन लिविंग चीज़ के कुछ साथ साथ चल रहे हैं तो बच्चों अलोंग ओनली, जैसे कि आई क्रॉस द रोड अलोंग द वॉल ऑफ आईटीसी, मैंने आईटीसी के वॉल के साथ साथ सड़क क्रॉस कर ली। लेकिन आई वॉक अलोंग विद माय वाइफ इन द मॉर्निंग एट द बैंक ऑफ द रिवर, सुबह मैं अपनी वाइफ के साथ साथ नदी के किनारे टहल रहा था, तो क्या अलोंग विद का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी वो बच्चों रोड के
साथ साथ चल रहा है, तो यहाँ पे अलोंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलोंग द रोड। अराउंड का मतलब हो जाएगा जो चारों तरफ, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं चारों तरफ, राउंड का मतलब हो जाएगा चारों तरफ ही। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा अलोंग द रोड। आगे देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पे, और बच्चों काफ़ी अच्छा मौसम यहाँ पे कई दिनों से चल रहा है हमारे यहाँ पे, लगातार बारिश चल रही है, हो सकता है कि अब बारिश का थोड़ा सा आपको असर देखने को मिल रहा हो वीडियो में। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, और कहाँ कहाँ बारिश हो रही है इस वीडियो में जरूर कमेंट करें, और कितना मज़ा आ रहा है। आफ्टर यू गेट डैश द बस वॉक डाउन द स्ट्रीट ऑन द लेफ्ट टू द चर्च। मुझे यहाँ पर साफ चल रहा है कि बस से उतरा है, बस पे चढ़ा नहीं है। बस वो बस पे चढ़ने के लिए हम लोग दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, गेट इन गेट ऑफ, मतलब गेट ऑन गेट ऑन गेट ऑफ, ये दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग उन वाहनों पर चढ़ने और उतरने के लिए जिन वाहनों पर चढ़ने के लिए हमें स्टेयर्स का इस्तेमाल करना होता है। सिर्फ उन्हीं के साथ में आप लोग गेट ऑन और गेट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा नहीं। बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कि आफ्टर यू गेट डैश द बस वॉक डाउन द स्ट्रीट, थोड़ा सा स्ट्रीट पर चलना, ऑन द लेफ्ट टू द चर्च, एड्रेस बताया जा रहा है किसी को। तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि व्यक्ति जो है बस से उतरा होगा, चढ़ा नहीं, तो गाइस यहाँ पे गेट ऑफ हो जाएगा। हालांकि बच्चों गेट डाउन और का मतलब भी वही होता है उतरना ही, लेकिन ये आपका पूरा फ्रेजल वर्ब देता है गेट ऑफ। गेट इनटू, बच्चों गेट इनटू का मतलब हो जाता है ज़बरदस्ती कहीं पे घुसना, एंट्री करना। गेट ऑफ का मतलब उतरना है ही, ये तो कहीं से कहते अब नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। डैज द टाइम आई रीज द एग्जामिनेशन होल आई वॉज हाफ एन आवर लेट। तो बच्चों यानी कि जब तक मैं वहाँ पहुँचा तो भैया मैं आधा घंटा लेट हो चुका था। तो गाइस ये आपका एक बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप इसको पढ़ते हैं। क्या बच्चों बाय द टाइम, बाय द टाइम, और बच्चों ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम लोग लगाते हैं कि डॉक्टर का आने से पहले मरीज मर चुका था, सूर्य निकलने से पहले कपड़े सूख चुके थे, जब इस तरह की बात करते हैं तो हम लोग बाय द टाइम, सिंस और बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। बाय द टाइम आई रीड द एग्जामिनेशन हॉल आई वॉज हाफ एन आवर लेट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्या कह रहा है यहाँ पे। विड्रो उत्तराखंड यूपी एंड बंगाल टू रीच द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो कहते हैं यहाँ पे ड्रोव आपकी सेकंड फॉर्म है, ड्राइव की, डैश उत्तराखंड यूपी एंड बंगाल टू रीच द इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉर्डर। विड्रो इन उत्तराखंड, हम उत्तराखंड में उतरे गए बच्चों, उसके बाद में आपका है ओवर, इन टू या थ्रू। तो कहते हैं यहाँ पे आपका हो जाएगा थ्रू, वी ड्रो थ्रू उत्तराखंड वेस्ट बंगाल यूपी टू रीच द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो कहते हैं यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। 14 देखिएगा, कह रहा है कि अर्लियर पीपल वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम डैश क्यूइंग अप द अप टू पे बिल्स। बच्चों जो पुराने लोग थे, क्यूइंग का मतलब बच्चों होता है लाइन लगाना, क्यू यू ई, ये पूरा बच्चों लाइन लगाना। अर्लियर पीपल जो है बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते थे अपना लाइन लगाने में ही। तो गाइस यहाँ पर आपका 14 का जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका यहाँ पे इन ही। अर्लियर पीपल वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन क्यूइंग, बच्चों यहाँ पर आपका इन क्यू यानी कतार में लगना। तो गाइस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इन। आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली डैश टू डेज। बच्चों सेंटेंस अगर आपका परफेक्ट बन रहा हो, आपने सेंटेंस बनाया हो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों में से कोई भी एक बनाया हो, तो गाइस आगे आप लोग प्रीपोजिशन दो ही लगा सकते हैं, या तो सिंस या फिर फोर प्लस टाइम। सिंस के साथ निश्चित समय, फोर के साथ अनिश्चित समय। तो यहाँ पे बच्चों सेंटेंस परफेक्ट बन रहा है, आगे टाइम भी आ रहा है, यहाँ पे हम लोग परफेक्ट लगाएंगे बिकॉज ये एक अनिश्चित समय है। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर। फ्रॉम, फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं तभी जब इसके साथ टू पक्का है, जब चलता है कैलेंडर चलेगा। और इन आपका पास्ट
कि एक लंबे समय के लिए या फिर फ्यूचर टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मुझे इस वीडियो में 30 प्रपोजिशन आपको करानी थी, लेकिन ड्यू टू हैवी रेन मुझे ये वीडियो रुकना पड़ रहा है। अगले पार्ट में मैं आपको अगले 15 प्रपोजिशन दूंगा। दूसरी बात, मेरा मन था कि इसको बहुत अच्छे समझा कराऊंगा, इसलिए मैंने बहुत अच्छे समझा के ये वीडियो बनाई है। वीडियो में मैंने ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई है। अगली वीडियो में भी 15 प्रपोजिशन हम लोग बहुत अच्छे समझा के आपको पढ़ाएंगे। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इसका ग्रामर चैप्टर लेना है हमसे, तो कंप्लीट 13 वीडियो में हमने अपना प्रपोजिशन पढ़ाया है। इसका प्राइस है ओनली 49 रुपीज़। आप ओनली 49 रुपीज़ में हमारा कंप्लीट प्रपोजिशन लेक्चर ले सकते हैं। बहुत ही शानदार तरह से हमने इसको पढ़ाया है। यहाँ तो मैं सीधा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वहाँ हमने इसका पूरा बेस बताया है। सभी प्रपोजिशन लगभग पढ़ाई हैं, 150 प्रपोजिशन टोटल हुआ करती हैं, लेकिन 150 तो नहीं पढ़ाई है, लेकिन सभी प्रपोजिशन को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। ओके दोस्तों, तो फिलहाल चलते हैं बच्चों, लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।